नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यनाथ झा। आजकल आपको एटीएम और बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा होगा। हमारा भी मानना है कि ज्यादा लंबी लाइन में लगने से सभी को परेशानी होती है और कोई नहीं चाहता कि वो लंबी लाइन का हिस्सा बने। लेकिन अब जिस लाइन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एटीएम या बैंक की लाइन नहीं है, ये लाइन है सार्वजनिक शौचालय की। और इस लाइन में लगने पर अच्छे अच्छों का धैर्य जवाब दे जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल शहर में सार्वजनिक शौचालय के बाहर सुबह 3 बजे से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैतूल को खुले में शौच की आदत से मुक्त जिला बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत बैतूल नगर पालिका ने ऐसे मजदूरों और गरीबों को विशेष पास बांटे हैं जो खुले में शौच के लिए जाया करते थे। इंडिया इन दिनों एटीएम और बैंकों की लाइन में लगा है, जहां कई बार लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। एटीएम के बाहर ये लाइनें सुबह से ही लगने लगती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लोग इन दिनों एक अलग ही तरह के लाइन में लग रहे हैं। ये लाइन एटीएम या बैंक की नहीं, ये लाइन है सार्वजनिक शौचालय की। दरअसल बैतूल को 2016 खत्म होते होते पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त जिला बनाने की कोशिश चल रही है और इसी कोशिश के तहत यहां मजदूरों और गरीब लोगों को एक विशेष तरह का पास देकर सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जाने की दिक्कत होती है, लाइन में लगना पड़ता है। वहाँ पर सर हमें दिक्कत आ रही है कि वहाँ पर सर लाइन लगानी पड़ती है लंबी और किसी को प्रॉब्लम आ जाती है सर, जोर से लग गई तो सर ये व्यवस्था जो है ना थोड़ी बढ़ानी चाहिए और शौचालय अधिक से अधिक और बनाना चाहिए सर। इस सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग सुबह 3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। कई बार तो नंबर आते आते 2 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन बैतूल प्रशासन तय कर चुका है कि शहर और गांव में किसी को भी खुले में शौच करने नहीं दिया जाएगा। नगर पालिका द्वारा बार बार नगर वासियों को समझाइश दी गई थी कि खुले में शौच ना करे, शौचालय मुफ्त में बनाए जा रहे हैं शासन योजना अंतर्गत। फिर भी जनता इस ऊपर अमल नहीं करती है, इसलिए ये कड़ा रूप परिषद द्वारा दिया गया है। इसके लिए खुले में शौच करने पर पकड़े जाने पर ₹50 का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर ₹250 जुर्माने के तौर पर देने होते हैं। हालांकि प्रशासन की इस व्यवस्था से लोगों को कुछ परेशानी तो है, लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो फिर बैतूल खुले में शौच मुक्त जिला जरूर बन जाएगा। ऐसे हमको परेशान करने लगते हैं, ऊपर दरवाजा पे खटखटाते हैं, 3 बजे रात नीचे आके खोल देना पड़ता है कंप्लेंट। कितने बजे ऐसे आते हैं? 3 बजे रात से। अच्छा, कितने लोग आते हैं? कम से कम वो 150-200 लोग आते हैं पूरे लाइन में। अच्छा, झुंड बना के आते हैं, झुंड बना के आते हैं। क्या लाइन लगती होगी? हाँ, लाइन तो लगती। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आपको यहाँ? यहाँ पर परेशानी हो रहा है, सवेरे रात को भोर में जो 3 बजे जगा देते हैं लोग, हम 5 बजे कंप्लीट करते हैं। शौचालय कितने आपके पास? शौचालय 8 है। और लोग कितने आते हैं? लोग 150-200 आते हैं एक ही टाइम में। एक ही टाइम में ग्रामीणों से अपील है कि उन पर। वैसे बैतूल में ये पहली कोशिश नहीं है। यहाँ के चौथिया गांव में खुले में शौच करने वालों का नाम लाउडस्पीकर से पुकारा जाता है। इससे शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन अगली बार नियम तोड़ने की हिम्मत भी नहीं हो पाती। ग्राम चौथिया में खुले में शौच करना बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है, उसके बावजूद भी आप खुले में शौच करते पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। जो शौच करने जाता है मोबाइल के माध्यम से मेरे को पंचायत भवन में यहाँ सूचना दी जाती है और वो उनके नाम हम लेकर अलाउंस करते हैं तो उनको बहुत शर्मिंदगी पैदा होती है, जिससे वो मतलब नाम से बहुत, किसी का नाम अगर आप खुल लेते हैं सार्वजनिक रूप से और वो खुले में शौच जाता है तो उसको बहुत शर्मिंदगी अपने आप को हो जाती है, तो खुले में शौच जाना बंद करके वापस अपने शौचालय का उपयोग करना। 80% तो सभी शौचालय का उपयोग करने लगे हैं। जो व्यक्ति नहीं जा रहे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं हम। कम से कम 3-4 बजे सुबह उठकर हम 10-15 भाइयां अपने अपने पड़ोसियों अपने अपने मोहल्ले में हम निगरानी करते हैं। बैतूल के तिबरखेड़ गांव में जो लोग खुले में शौच करने जाते हैं उन्हें गांव की महिलाएं बेशर्म के फूल देकर गलती का एहसास कराती हैं। इसी तरह बैतूल नगर पालिका ने खुले में शौच करने की गंदी आदत को खत्म करने के लिए किन्नरों की मदद भी ली है।
ये किन्नर ऐसे लोगों को घेर कर नाच गाना शुरू कर देते हैं जो खुले में शौच जाते हैं। शहरी इलाकों में रोको टोको अभियान चलाकर खुले में शौच करने वालों को ऐसा करने से रोका जा रहा है। चमचमाता इंडिया, टिमटिमाता इंडिया, तरक्की की दौड़ में विकसित देशों से कदम मिलाता इंडिया, वो इंडिया जिसमें हाईवे लंबे होते जा रहे हैं, मॉल पर मॉल खड़े होते जा रहे हैं, अंतरिक्ष में कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। इंडिया की इस चमक धमक में असली भारत का मुरझाया चेहरा भी झांकता है। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत में शौच की सोचनीय समस्या का आईना है, जिसमें झांकते हैं रेल की पटरियों के आसपास शौच करते लोग। गांव में खुले में शौच जाने को मजबूर महिलाएं, गंदी दीवारें और शौचालयों की दयनीय हालत। लेकिन बात सिर्फ शौचालय सुविधा की ही नहीं है, शौच से जुड़ी भारतीयों की सोच भी खराब है। आज हम आपको दिल्ली का सबसे बड़ा टॉयलेट दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और इसके ठीक सामने यहां पर एक विशाल टॉयलेट आपको दिखाई देगा जिसकी लंबाई 100 मीटर से ज्यादा है। माफ कीजिएगा, किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस टॉयलेट का नाम शामिल नहीं है, लेकिन हम आपका ध्यान खींचने के लिए इस उपमा का इस्तेमाल कर रहे थे कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा टॉयलेट है जिसकी लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा है। आपको बता दें, ये आपकी और हमारी कमी है, जनता की कमी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट नहीं है, उधर भी टॉयलेट है, लिखा हुआ है 100 मीटर दूर टॉयलेट है, फिर भी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? वजह ऐसा है कि यहाँ पर जो पब्लिक आते हैं, सिंगल पीस नहीं होता, उनके साथ में पूरा परिवार होता है, 2-4-10 लोग होते हैं, उस शौचालय का प्रयोग में जाते हैं तो 5-10 रुपये करके उनसे लिया जाता है। आदमी सोचता है कि अगर 10-20 आदमी मेरे साथ में हैं तो वहाँ पर अगर 100 रुपये मेरे चले जाएंगे तो उससे तो हम 100 रुपये में अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो आपने सुना, भारत में आपने हर तरह का भ्रष्टाचार सुना होगा, ये टॉयलेट का भ्रष्टाचार है। जिस भारत में उम्मीद की जाती हो कि 5 रुपये में आदमी अपना पेट भर ले, वहाँ लघु शंका को दूर करने के लिए 10 रुपये मांग लिए जाते हैं। क्या कुछ कोशिश करते हैं सर आप? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोग मना भी करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं भाई हमें जोर से लगा हुआ था, कहाँ जाएं, वो 10 रुपये लेता है, क्या करें, 10 रुपये कहाँ से देंगे। शौच को लेकर देशवासियों की सोच की ये तस्वीरें आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएंगी। जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ भी, और जहाँ शौचालय है वहाँ भी। आपको पता नहीं कि रोड साइड पे नहीं है अलाउड, फिर भी आप कर रहे हैं? वो ठीक है, रोड साइड मुझे मालूम है, मेरे को इमरजेंसी थी, मेरे को तकलीफ है। शहर में गंदगी कर रहे हो, यहीं पर ही आइसक्रीम बेचते हो, पीछे जा रहे हो। सभी लोग जाते तो मैं भी चले जाती हूँ। मतलब सर, जो लोग कोई कुएं में कूदेगा, आप भी कुएं में कूदोगे? चलो नहीं जाएंगे, सॉरी। सॉरी बोलो। सॉरी बोलो, आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। ये तो दिल्ली की शौच वाली सोचनीय हालत है। अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण भारत के क्या हालात होंगे। सच यह है कि ग्रामीण भारत में करीब 65% भारतीय खुले में शौच करते हैं। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसलिए अब वक्त आ चुका है जब इन तस्वीरों को मिटाकर स्वच्छ भारत की तस्वीर बनाने की गंभीर शुरुआत कर देनी चाहिए। बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।